धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, और आज बात करेंगे संविधान और आरक्षण को लेकर। संविधान और आरक्षण को लेकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले 3.5 सालों से, जब से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, यदा कदा कभी आरएसएस के नेताओं के बयान आते रहते हैं, कभी भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं संविधान और आरक्षण के खिलाफ। लेकिन अभी जो बयान आया है वो आया है मोदी कैबिनेट के मंत्री का, आनंद देव हेगड़े का। तो उस बयान के आधार पर पूरे मीडिया में हल्ला मचा हुआ है, पूरे पार्लियामेंट में हल्ला मचा हुआ है, और तमाम विपक्षी पार्टियों का और ज़्यादातर मीडिया कर्मियों का यही कहना है, मीडिया संस्थानों का यही कहना है कि मंत्री का बयान जिस तरीके से है उसे मोदी सरकार का बयान माना जाए। तो क्या उससे ये बात पैदा होने जा रही है कि अगले 2018 में, जो नया साल आ रहा है 4 दिन बाद, ये सरकार संविधान में कोई संशोधन करने जा रही है, ये सरकार संविधान कोई ख़त्म करने जा रही है, ऐसा कुछ है? अपनी बात को शुरू करने से पहले आप ಅನಂದೇವ್ ಹೆಗಡೆ ಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಸುಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜೊತೆ ಗುರುಸ್ಕೊಂತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ಜೊತೆ ಗುರುಸ್ಕೊಂತಿರೋ, ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ. ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು, ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಹೆಗಡೆ ಅಪನೆ ಬಯಾನ್ ಮೇ ಕಹ ರಹೆ ಹೈ ಬಡಿ ಬೇಶರ್ಮಿ ಸೇ ಕಿ ಪತಾ ನಹೀ ಕಿಸ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೋ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಬನಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಉಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕಿ ಶಪಥ್ ಲೇಕರ್ ವೋ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದ ಪರ್ ಬೈಠೆ ಹೈ. कह रहे हैं अच्छा लगता है जब कोई अपने बारे में बताए कि मैं हिंदू हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लिंगायन हूँ, यानी कि वो अपनी जाति लिंगायन जाति से आते हैं, वो उत्तरी कन्नड़ कर्नाटका के वहाँ से सांसद हैं, 5 बार वो सांसद रह चुके हैं और अब मोदी सरकार में वो मंत्री हैं. आनंद सिंह हेगड़े के इस बयान के बाद भूचाल आ गया है, हंगामा खड़ा हो गया है. हालांकि मोदी सरकार ने पूरी तरह से इस बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन मंत्री के इस बयान को इस बार गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले जो भी बयान आते थे, जैसे आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत का बयान आया, आरएसएस प्रमुख का, वो बयान आप सुनिए. संविधान में कुछ प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान ठीक से लागू हो, जिनके लिए उनको प्राप्त हो और विषमता समाप्त होते तक उनको ये लाभ मिलता रहे, इसमें दो राय किसकी होगी? उसके ठीक बाद यूपी चुनाव से पहले मोहन वैद का बयान आया, मनमोहन वैद का, जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आरक्षण खत्म करने की बात की. आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है. यह भी कहे डॉक्टर आंबेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहेगा, ये अच्छा नहीं है. जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है. और इसलिए वो आरक्षण की सीमा बाकी अन्य आरक्षण के बढ़े हुए सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए. इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाबाद बनाने वाली बात है जैसा लगता है. तो जो किस तरीके की बातें की जा रही हैं, क्या एक माहौल को बनाया जा रहा है जिस धारणाओं में लोगों को जिलाने की आदत पड़ गई है, इन सरकारों को, इन संगठनों को, ये दिखाते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं और लोग अपनी आंखों पे हरा चश्मा लगाकर खुश होते रहते हैं कि हाँ अच्छे दिन आ गए हैं, गधे की तरह सूखी हुई घास खाते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि अच्छे दिन आ गए. अच्छे दिन पता नहीं किसके आ गए और कहाँ आ गए, कुछ पता आपको दिखाई देता नहीं है, हमें तो कहीं नजर आता नहीं. आपको लगे कहीं अच्छे दिन आ गए हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के रूप में. पर फिलहाल जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अभी तक नेता बोल रहे थे लेकिन अब मंत्री बोल रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सेकुलरिज्म की जो बात कही है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आरक्षण की जो बात कही गई है उसका मजाक उड़ा रहे हैं. लगता है आने वाला चुनाव, जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें खैर बीजेपी 2019 की बात नहीं करेगी, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, वो 2022 की बात करेगी. वो कहेगी 2014 में जब से हम सत्ता में आए हैं हमारे जितने भी टारगेट हैं वो 2022 तक अचीव कर पाएंगे हम, इसलिए हमें 2019 की सत्ता पहले दे दो. 2019 की बात नहीं करेंगे वो कुछ भी. क्यों? क्योंकि 2019 में जनता के बीच में जाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं. नोटबंदी फेल है, जीएसटी फेल है,
किस चीज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या एक नफरतें जो फैला दी हैं, कहीं गाय के नाम पे किसी को मार दे रहे हैं, कहीं लव जिहाद के नाम पे किसी को मार दे रहे हैं? तो बात सिर्फ वही है जो के बात तमाम आज पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है, जिस बात को लेकर क्या बीजेपी संविधान संशोधन करने जा रही है, क्या बीजेपी संविधान से आरक्षण को खत्म करने जा रही है, ये आज की बड़ी खबर है। और इस खबर पे तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो ज़रूर आग बबूला हैं। सत्ता पक्ष ने अभी इस बात से किनारा कर लिया है, लेकिन वो उस मंत्री को हटाने को तैयार नहीं है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के कोई नेता बयान दे दें और उस पर हंगामा खड़ा हो जाए और बीजेपी उसको हटा दे, कभी नहीं होता। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान मनमोहन सिंह को देशद्रोही बता दिया, कहा कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर। तो जिस सरकार का मुखिया इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता हो तो वहां के जो मंत्री हैं वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे वो कल्पना की जा सकती है। लेकिन कितना भी आप हंगामा कर लें वो ना किसी को हटाएंगे ना किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब साक्षी महाराज कुछ बोलेंगे वो कह देंगे अरे वो उनका अपना निजी बयान है। जब सीएम नहीं थे योगी आदित्यनाथ वो कोई बयान देते थे तो कह दिया जाता था कि वो उनका निजी बयान है। तो निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर हम कांग्रेस को देखें, अगर मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग किया तो कांग्रेस ने 2 मिनट नहीं लगी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इनके यहाँ कुछ संविधान नजर ही नहीं आ रहा है, कोई लोकतंत्र नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये संवैधानिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करेंगे? अब सवाल यही पैदा हो गया है कि अगले 2018 में क्या देखने को मिलने जा रहा है, क्या सरकार पिछले दरवाजे से या खुलेआम तौर पर संविधान में संशोधन कर आरक्षण खत्म करने जा रही है। ऐसी ही बेबाक और बेखौफ खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी खबरों को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कराइए उन लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचाइए। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।